दोस्तों यह है मंत्रा की डिवाइस, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो मंत्रा को डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं, मोबाइल से या किसी बैंक पेमेंट या कैश विड्रॉल या लेन देन किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ को किस तरीके से इसको विड्रॉल करते हैं या और कनेक्ट करते हैं, वो सारा क्लियर जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो इसमें सिस्टम यह है कि इसमें एक जो क्रोम ब्राउज़र से कनेक्ट करते हैं इसमें एक कोड रहता है, ये कोड डालना पड़ता है, ठीक है ना, क्रोम ब्राउज़र पे। इसके अलावा इसमें OTG कनेक्शन लेना पड़ता है अलग से, यदि साथ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ये OTG कनेक्शन आपको इस टाइप का भी मिल जाएगा और सिंगल भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ये छोटा पिन वाला। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मोबाइल में लगाएंगे, ठीक है ना। ये मोबाइल में लगाने के बाद कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल में लगाने के बाद फिर आपको सेटिंग में जाकर, दोस्तों अब आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर आप सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाकर आपको OTG लिखना, OTG और सर्च करना, ठीक है ना। ये देखो OTG कनेक्शन आ गया है, तो मैंने ये ऑन कर दिया। OTG कनेक्शन ऑन करने के बाद को आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है मंत्रा RDS सर्विस। तो मेरे में पहले से डाउनलोड है और आप इसमें क्या करना है, जाके ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद फिर आपको डिवाइस की OTG को लगाना है जो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, उसको लगा देने के बाद फिर आपको ओके कर देना और फिर कनेक्ट हो जाएगी डिवाइस। फिर कनेक्ट हो जाने के बाद आपको कैप्चर पर क्लिक करना है और डिवाइस जल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। देखो सक्सेसफुल, क्वालिटी 45। इसीलिए इसी तरीके से आपको डिवाइस को कनेक्ट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।